यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जरा मुझे जस्ट ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। आवाज आ रही है क्या बराबर, जरा मुझे बता दीजिए। वीडियो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं, जस्ट वो कंफर्म करिए। एंड वी शैल क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। यस, आवाज आ रही है क्या, बोलिए जरा क्विकली एक बार। हाँ, गौरव सैनी कह रहे हैं, ठीक है। शिव प्रसाद ऑल ओके, सोनाली ऑल ओके, एंड देन दीक्षा, सविता, वैष्णवी, करुणा, ऑल राइट फाइन। सो ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग एंड ऑल सेट एंड डन। फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। कल आप लोगों को 75 क्वेश्चंस के साथ मैंने जून मंथ का करंट अफेयर्स करवाया था। एंड टुडे इन द सेम सीरीज वी विल बी कवरिंग अप द जुलाई पार्ट। ओके, 6 दिन में हम 6 अलग अलग लेवल्स पे काम करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और नवंबर में कहाँ तक होगा, 20 नवंबर तक का सिलेबस होगा। ऑलराइट, यस। कल आप लोगों का एक और फीडबैक था जो मुझे बाद में कंफर्म हुआ, जो अलग अलग चैट ग्रुप्स है उसमें मैंने देखा। थोड़ा सा फास्ट चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि सेशन थोड़ा सा फास्ट हो और 1.5 घंटे में सब कुछ वाइंड अप हो जाए। जेंटलमैन प्रॉमिस, आज हम पूरा का पूरा पार्ट 75 क्वेश्चंस का 1.5 घंटे के अंदर अंदर फिनिश कर देंगे। तो बाय द टाइम 6:45, 6:50 वी विल बी वाइंडिंग अप विद अवर सेशन। ऑलराइट, बस अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटबुक निकाल के रेडी रहे। प्रवचन की तरह सुनना नहीं है चीजों को, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं और आपको वो हो सकता है कि पता ना हो, तो आपको वो जरूर लिख के रखनी चाहिए। ओके, चालू करने से पहले जस्ट 30 सेकंड का टाइम मैं ले रहा हूँ। श्योर शॉट जीए की पीडीएफ 1000 MCQs वाली आई प्रथम ऐप पर अवेलेबल है। आई प्रथम ऐप जरूरी नहीं है कि आपको उसमें कोई बैच ज्वाइन करना है इसको परचेज करने के लिए, नॉट एट ऑल। आपको ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर्स में जाकर 25 रुपीज की ये पीडीएफ ले सकते हैं। 1000 MCQs की फिल्टर्ड पीडीएफ है, शानदार। आप इसको जरूर पढ़ें। रीड ओनली फॉर्मेट में ये अवेलेबल है, मोबाइल फॉर्मेट में ही है, तो ये मोबाइल में अच्छे से ओपन होती है। इसको जरा सॉल्व करके रख लीजिए, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का एक शानदार रिवीजन आपका एनी हाउ हो जाएगा। उसके साथ एड ऑन करते हुए मैं तो 75 क्वेश्चन हर महीने के आपको दे ही रहा हूँ, तो ये एक और उसमें एडिशनल प्लस पार्ट होगा। राइट गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको स्टैटिक बैंकिंग भी पूछा जाता है। स्टैटिक बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और फिर बैंकिंग का जो करंट अफेयर्स आता है वो अलग आता है। राइट, और आरआरबी स्केल 2 का जो एग्जाम अभी हुआ था ना पिछले महीने, उस एग्जाम में तो लिटरली बहुत से स्टूडेंट्स की आंखें खोल दी। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि स्टैटिक पार्ट में से उन्होंने पूछी थी। आपको पता है हर क्वेश्चन सॉल्व कराते समय में बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी, उसके पीछे का बेसिक, उसके पीछे के लॉजिक्स, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। स्टूडेंट इसको कंसिस्टेंटली इग्नोर करते हैं कि उनको लगता है कि नो 1 मार्क का जो क्वेश्चन है बस तेवड़ो झालं म्हणजे झालं, तसं नसते। इफ यू आर टार्गेटिंग फॉर असिस्टेंट, इफ यू आर टार्गेटिंग फॉर पीओ, इफ यू आर टार्गेटिंग फॉर एनी अदर एग्जाम, तुम्हाला थोडस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अंडरस्टँडिंग डेव्हलप करावंच लागेल। सो फॉर दॅट रिझन इट इज रिअली इम्पॉर्टंट की थोडंफार जास्तीचं काही त्याच्यासोबत सांगितलेलं आहे ते प्लीज प्लीज व्यवस्थित ऐका। ही माझी अट नाही आहे की तुम्हाला त्याचे नोट्स बनवावंच लागतील असं नाही आहे, पण ऍटलीस्ट त्याला व्यवस्थित ऐका। जिथे जे महत्वाच्या गोष्टी आहेत ते प्लीज नोट डाऊन करून ठेवा, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। वी शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके कोई कमेंट है तो एक बार देख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं सीधा चलूंगा। यस सर, जल्दी फिनिश करना है, जल्दी फिनिश नहीं करना है, हमको निपटाना थोड़ी ना है किसी को, हम जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी कंप्लीट करेंगे। सर हमसे भी कुछ क्वेश्चन पूछना देखता है कितना पढ़ा है हमने। गौरव, हाँ भाई जरूर पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे। एंड द थिंग इज, आज एक और चीज, आज यथा संभव मैं आपको हर क्वेश्चन में हिंट देता चलूंगा। प्लीज
अपने अंतरात्मा से पूछो कि आपको वो हिंट के साथ कितने मार्क्स मिले। आई डोंट वांट कि तुम कमेंट थ्रेड में लिखते चलो कि हाँ सर इसका राइट आंसर ये आया, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, लेकिन 75 क्वेश्चन होने के बाद आप अपनी टोटल एक बार जरूर टैली कर लेना कि क्या आप मेरे सारे हिंट समझ पाए, क्या आपको हिंट के हिसाब से सही आंसर मिला। अगर मिला तो ट्रस्ट मी ये 75 क्वेश्चन आज आपको 130 क्वेश्चन का आंसर देके जाएंगे। करवा रहा हूं मैं 75, लेकिन आपको कलेक्शन में आज 130 से नीचे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सो प्लीज गेट एक्साइटेड एंड गेट रेडी फॉर द पार्ट। चलिए लेट्स बिगिन विद द वर्क। गौरव कह रहे हैं हिंदी में बात करो। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र रहिए, हिंदी इंग्लिश मराठी चाइनीज जापानीज छोड़ के बाकी सब हम बोल लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लाजारूस चाक्वेरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। लाजारूस चाक्वेरा ये इनमें से कौन से देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं? मोजाम्बिक, मादागास्कर, मालावी, मॉरिटानिया। मेरा पहला हिंट है आपको, इस कंट्री की कैपिटल है लिलोंगवे। कंट्री की कैपिटल है लिलोंगवे। तो चलिए ऑन द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, दो तीन लोगों का सही जवाब आ चुका है। वेल डन, सही जवाब है यहाँ पर मालावी। मालावी की कैपिटल क्या है? लिलोंगवे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, सही जा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द बीट अवार्ड 2020। ओके, इनमें से किसको मानवता पुरस्कार मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का मतलब होता है मानवता पुरस्कार, बीट नाम के अवार्ड फंक्शन में 2020 में। सो लांगवे नॉल्स, लेडी गागा, बियॉन्स या रिहाना। ओके चलिए बोलिए, एनी गेसेस ऑन दिस? अब मैं यार उसके एल्बम का नाम बताऊंगा तो तुरंत समझ में आ ही जाएगा, आप जरा बताइए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेल डन, द राइट आंसर हियर इज बियॉन्स। ओके, द राइट आंसर इज बियॉन्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, काफी फेमस है ये सारे के सारे ग्रुप्स। ओके, लेडी गागा को कौन नहीं पहचानता, बियॉन्स को कौन नहीं पहचानता। सो दोज हु लव द हॉलीवुड म्यूजिक एंड ऑल, दे मस्ट बी अप्रिशिएटिंग इट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट सैंक्शन बाय द बैंक अंडर ₹3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम? सगैत पहले ये फुल फॉर्म लिख के रख लो दोस्तों, ये प्लीज बिना भूले ये फुल फॉर्म लिख के रख लो, ये किसी दिन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमई सेक्टर यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एज पर द रिसेंट डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा ये ECLGS के लिए ताकि एमएसएमई को मदद हो सके? सवाल समझा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ECLGS के लिए कितना अमाउंट एमएसएमई सेक्टर के लिए सैंक्शन किया गया है? 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़? राइट, सवाल थोड़ा रेयर है, इसके ऊपर हिंट देना भी थोड़ा मुश्किल ही होगा, या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो घबराना मत, कोई बात नहीं, इसका आंसर नहीं भी आया तो भी चलेगा। एनी गेसेस? द राइट आंसर गौरव ने दिया है और उर्मिला ने भी राइट आंसर दिया है, दोनों के ही आंसर बिल्कुल ठीक है। सही जवाब है 1 लाख करोड़, द राइट आंसर इज 1 लाख करोड़। ओके चलिए बिना रुके चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है, प्लीज अश्योर करते रहिएगा। स्किल कनेक्ट फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। स्किल कनेक्ट फोरम इज अ पोर्टल लॉन्च बाय विच स्टेट टू ब्रिंग टुगेदर एंटरप्रेनर्स एंड जॉब सीकर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि कोरोना के वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने घर वापस लौट गए, मजदूरों का पलायन हुआ था। अब प्रॉब्लम यह है कि फैक्ट्री शुरू हो गई, मजदूर वापस आए नहीं है, और मजदूर जहां गए हैं बिहार में यूपी में वहां फैक्ट्रियां ज्यादा नहीं है, तो एक तरफ एम्प्लॉयर है और एक तरफ एम्प्लॉयज है, दोनों बिखर गए हैं। दोनों को जोड़ने के लिए स्किल कनेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है जॉब सीकर्स के लिए। तो ये किसने बनाया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? मेरा हिंट है यहाँ पर इस राज्य के गवर्नर है वज्जू भाई वाला, माफ करना फुल फॉर्म नहीं लिख पाऊंगा, वज्जू भाई वाला ये वहां के गवर्नर है। तो चलिए बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अरे वाह, लाइन लग गई है राइट आंसर्स की, वेल डन, द राइट आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम का नाम है येदुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर साहब का नाम है वज्जू भाई वाला।
और सही जवाब है वजूभाई वाला। ये सवाल याद रखना है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन बड़े फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के, ये आ सकता है एग्जाम में। ओके, जिनको नहीं पता था नोटबुक में लिखते चले। इंडिया हैज ज्वाइन द अलायंस फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन। अलायंस का मतलब होता है ग्रुप, पॉवर्टी इराडिकेशन का मतलब होता है गरीबी को कम करना। एज फाउंडिंग मेंबर द अलायंस हैज बीन लॉन्च बाय, तो भारत ने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, गरीबी हटाओ वाला ग्रुप, ये किसने शुरुआत की है इसकी? वर्ल्ड बैंक ने, नाटो ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने? अरे यार, मतलब इस सवाल में हिंट देना मतलब आप लोगों की अभी तक की काबिलियत पे उंगली उठा देना जैसा है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, वर्ल्ड बैंक गरीबी दूर करने के लिए कभी बैठेगी क्या? वर्ल्ड बैंक को क्या लेना देना इन सब चीजों से, वो तो लोन बांटने के लिए है। उसको तो अच्छा ही है, जितने देश गरीब होंगे उतना लोन बांट के उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। नाटो, अरे भैया नाटो वो है जो अमेरिका के मित्र देश होते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग तो लड़ाई झगड़े के लिए बनाया हुआ ग्रुप है पूरा का पूरा, रशिया को निपटाने के लिए, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एटॉम बॉम्ब और उससे संबंधित ऊर्जा के ऊपर काम करने वाला ग्रुप है, इसका क्या लेना देना गरीबी से? यहां पर ऑब्वियसली कॉमन सेंस का सही आंसर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको समझ में आया? कोई कोई सवाल में जरूरी नहीं कि आपको हिंट मिले और रट्टा मारना पड़े, सवाल देख के थोड़ा बहुत आप अपने अंतर्ज्ञान से भी कंफर्म कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना तो यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 अलग-अलग डिविजन्स बनाए गए थे। कितने? 6। उन 6 को बोला जाता है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स। क्या बोला जाता है? यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स, और उनमें से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आम भाषा में इसको यूंगा यूंगा ऐसा बोलते हैं, बट दैट्स ओके, द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। द इंडियन नेवी इज कैरीड आउट अ स्मॉल पैसेक्स एक्सरसाइज विथ विच कंट्री टुवर्ड्स द मलक्का स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन रिसेंटली? भारत ने मलक्का स्ट्रेट में, दिखाता हूं अभी नक्शा बना दूंगा, मलक्का स्ट्रेट में पैसेक्स नाम की एक एक्सरसाइज की है भारतीय नेवी ने कौन से देश के साथ? ये रहे आपके 4 ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन, सिंगापुर, चाइना या जापान। यूनाइटेड नेशन, सिंगापुर, चाइना या जापान। चलो हिंट देता हूं, हिंट ये है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी 65 साल की उम्र में तबीयत खराब होने के वजह से इस्तीफा दे दिया। इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी तबीयत खराब होने के वजह से इस्तीफा दे दिया। अरे यार, सबने यूएस 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 लिख के रखा, इतना बड़ा हिंट देने के बाद तो अब बताओ ना। प्रणव का राइट आंसर आ गया, वेल डन प्रणव। निलेश का भी राइट आंसर आया, विराट का भी राइट आंसर आया, राइट। सही जवाब है जापान, जापान। और अब लगे हाथों जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम भी जरा लिख लो, आई एम श्योर पता होगा लेकिन जबान पे नहीं होगा, तो एक बार रट्टा मारने में कोई हर्ज नहीं है, इस तरह के नाम रट्टा ही मारने पड़ते हैं। सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, योशी हिदे सुगा। योशी हिदे सुगा, कितना प्यारा नाम है, योशी हिदे सुगा, राइट। इसके पहले कौन थे? शिंजो आबे, वो चले गए, अब योशी हिदे सुगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एडवर्ड फिलिप हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बहुत सारे आज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सवाल आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। एडवर्ड फिलिप हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? चलो हिंट दूं, हिंट ये है कि यहां के प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रॉन, यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। बस इतना हिंट काफी है, बाकी तो सब आप ज्ञानी लोग हैं, आप कर ही लेंगे। हाँ बताइए बताइए। अरे नहीं यार, स्वीडन नहीं। गौरव, प्रणव, विराट, सचिन, सबका आंसर अब राइट आया हिंट देने के बाद। सही जवाब है फ्रांस, द राइट आंसर इज फ्रांस। ओके, फ्रांस में इस वक्त कम्युनल टेंशन भी चल रहा है, जो कि आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा, उसके ऊपर किसी दिन एक लेक्चर बना के बहुत सी चीजें उसमें डिस्कस करने जैसी है। वी शैल डू दैट इन केस ऑफ एनी अदर फर्दर कमिटमेंट्स ऑफ असाइनमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स रिलीज्ड रिसेंटली बाय एम वेंकैया नायडू? भारत के राज्यसभा के स्पीकर और हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की लिखी हुई किताब है
फ्यूचर हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये किताब का अवलोकन यानी ये किताब को रिलीज किसने किया? लक्ष्मी नारायण, अंबु थंबी, पत्ताभी राम या एम शिव कुमार? अब सवाल जरा रेयर है यार, इसमें हिंट मत मांगना, या तो ये आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन आते हैं इसीलिए लेना पड़ रहा है। तो बोलिए, एनी गेसेस ऑन दिस? एनी गेसेस ऑन दिस? क्या बात है यार, इसमें भी 5-6 राइट आंसर आ गए। वेल डन, सही जवाब है पत्ता भी राम। ओके, पत्ता भी राम, द राइट आंसर इज पत्ता भी राम। आपको पता है पत्ता भी सीता रमैया नाम के एक व्यक्ति थे जिनको कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए आजादी के पहले महात्मा गांधी ने अपने तरफ से खड़ा कर दिया था, और महात्मा गांधी चाहते थे कि उनका ये कैंडिडेट जीते, और इनके अपोज में कौन थे पता है? सीधे सीधे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस वन साइडेडली जीत गए, और गांधी जी इतने नाराज हो गए थे कि उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में थोड़ी सी तनातनी, टेंशन पैदा हो गए थे। ये वही वहीं से शुरू हुआ था, तो वो भी नाम पत्ता भी सीतारामैया ही था, इसलिए याद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच कंट्री वॉज द हाइएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट इन 2019 एज पर 2019 अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020? दुनिया में साइबर वेस्ट या ई वेस्ट पैदा करने वाले देशों में सबसे आगे कौन है? चलो मैं एक हिंट देता हूं। ओके, ये बात तो तय है कि दुनिया में साइबर में सबसे आगे तो अमेरिका ही था, तो अमेरिका सबसे ज्यादा वेस्ट पैदा करता था। लेकिन अभी अभी सवाल इसीलिए आया है ये क्योंकि अमेरिका को पीछे छोड़कर कोई देश उससे भी ज्यादा आगे निकल गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को मारो गोली। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ कि इतना ज्यादा बर्बादी कौन कर सकता है, किसमें इतनी ज्यादा कंजम्पशन कैपेसिटी? ऑफ कोर्स नन अदर देन चाइना, नन अदर देन चाइना। तो द राइट आंसर हैज टू बी चाइना। ऑल राइट, जर्मनी में रिसाइकलिंग बहुत जबरदस्त है, तो जर्मनी ऐसा नहीं करेगा। और जापान में है ई वेस्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन जापान, जर्मनी, स्वीडन, इस तरह के देशों में ना रिसाइकलिंग बहुत बढ़िया होती है। ओके, चाइना में भी होती है, नो डाउट। मतलब मैं चाइना को यहां पर दोषी इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि अमेरिका का सारा कचरा ऑलरेडी चाइना में ही जाता था, तो टनो टन चाइना वो कचरा पूरा लेकर रिसाइकल करके सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बनाते थे। फिर लेकिन बाद में इनके झगड़े हो गए तो इन लोगों ने वो करना भी बंद कर दिया है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज बीन स्वोर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, तो वेगड़ा। मैं पूछ रहा हूं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रोसलिन बैशलेट, रेमंड सुबी, जिन कैस्टेक्स या ओलिवियर वेरन? तो अब आप बताइए। अब इसमें हिंट मत मांगना मेरे से, आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। तो एनी गेसेस हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, माय गुडनेस, आई गॉट सीरीज ऑफ सम गुड आंसर्स। वेल डन गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिन कैस्टेक्स। द राइट आंसर इज जिन कैस्टेक्स। ओके, यस। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाने के बाद इसका आंसर मैं पूछूंगा आपसे। फ्रांस की करेंसी का नाम बताइए, फ्रांस की करेंसी का नाम बताइए। ओके, मैं चला क्वेश्चन नंबर 11 पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन कौन से सैंपल पेपर में नहीं है जरा मुझे बताओ, हर जगह ये क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। विरल आचार्य, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन और उर्जित पटेल? चलो मैं आपको एक एकदम तगड़ा ऑप्शन देता हूं ना, हिंट इतनी अच्छी कि आपकी एक्चुअली में थोड़ी बहुत जानकारी इससे मिलेगी। पहली बात तो ये कि ये व्यक्ति केन्या में पैदा हुआ था, और दूसरी हिंट ये है कि ये भारत के 24वें गवर्नर रहे थे आरबीआई के, भारत के 24वें गवर्नर आरबीआई के। तो बोलिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्या बात है, लाइन से सबके आंसर आए हैं, उर्जित पटेल। लेकिन अगर तुम में से किसी को ये बात नहीं मालूम थी तो प्लीज इसको लिख के रखो, उर्जित पटेल का जन्म केन्या की राजधानी नायरोबी में हुआ था, और उर्जित पटेल 24वें गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। तो अभी जो शक्तिकांत दास साहब अपने पास है वो है 25वें, उसके पहले रघुराम राजन, और उसके साथ एक जो विरल आचार्य थे, विरल आचार्य कौन थे, वो डेप्यूटी गवर्नर थे। तो इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। ऑल राइट, यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम वीवर सम्मान योजना टू प्रोवाइड एनुअल फाइनेंशियल एड टू रुपीज 2000 टू हैंडलूम वीवर्स? ओके, हथकरघा
जिसको हिंदी मराठी में हम हथकरघा बोलते हैं ना, हैंडलूम वीवर्स, बुनने वाले, उनको 2,000 रुपए की वित्तीय मदद करने वाला वीवर सम्मान योजना के तहत स्कीम चलाने वाले राज्य का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या वेस्ट बंगाल? और आपको हिंट देता हूं, हिंट ये है कि टाइगर्स की संख्या में ये स्टेट भारत में सेकंड रैंक पर आता है। भैया इससे बड़ा हिंट नहीं होगा, टाइगर्स की संख्या में ये स्टेट भारत में सेकंड रैंक पर आता है। वाओ क्या बात है, द राइट आंसर इज कर्नाटक। लाइन लग गई है आंसर्स की, थैंक यू सो मच, मजा आ रहा है कि नहीं? द राइट आंसर इज कर्नाटक। ओके, सीएम कौन? येदुरप्पा। गवर्नर कौन? वजूभाई वाला। टाइगर्स में नंबर 2 पर है कर्नाटक और नंबर 1 पे है बाय द वे मध्य प्रदेश। फर्क ज्यादा नहीं है पता है, मुझे लगता है अगली गणना तक कर्नाटक आगे निकल जाएगा, 2 या 3 टाइगर का ही फर्क है बस। विच इज द फर्स्ट बैंक टू रिसीव यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू सेटअप एंड ऑपरेट एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक थ्रू द होली ओन्ड सब्सिडरी मोड? शान पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक ऐसा बैंक है फॉरेन का जिसको आरबीआई ने भारत के अंदर शेड्यूल कमर्शियल डिवीजन में और बाकी बैंकों की तरह रिटेल बैंकिंग करने में, ब्रांच खोल खोल के एटीएम ओपन कर करके धंधा करने की पूरी परमिशन दे दी है आरबीआई ने, उस बैंक का नाम बताओ। ये रहे 4 ऑप्शन, एचएसबीसी, डीबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या एसबीएम बैंक इंडिया। राइट, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, एचएसबीसी या डीबीएस, ओके, या फिर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या एसबीएम, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, बैंक इंडिया। ऑल राइट, तो चलिए मैं आपको हिंट दूं क्या? हिंट आपके लिए ये है कि इस बैंक का हेड क्वार्टर है पोर्ट लुई। पोर्ट लुई, इस बैंक का हेड क्वार्टर है पोर्ट लुई में। अब अगर आपको ये पता है कि पोर्ट लुई कहाँ है तो आपका आंसर आ जाएगा। पोर्ट लुई कहाँ है अगर इतना मालूम है तो आपका आंसर आ जाएगा। इतने आंसर दिख नहीं रहे मुझे, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। अरे सोचो, वेर इज पोर्ट लुई? पोर्ट लुई इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इसके नाम में ही मॉरिशस है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुई जहां पर स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का हेडक्वार्टर है। ओके, आगे बढ़ने से पहले यहाँ इस बैंक के सीईओ का नाम भी लिख लो, इंडिया सीईओ, ये इंडिया ब्रांच के सीईओ हैं, पी वी राव। एक्चुअली में बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, प्रवर्तना वेंकटेश्वरा राव, आप पीवी राव भी याद रखेंगे तो काफी है। ठीक है, यस ओके। मैंने आपको कुछ सवाल पहले पूछा था कि फ्रांस की करेंसी क्या है और आप लोगों का जवाब आया नहीं है, और फ्रांस की करेंसी क्या है इसके ऊपर नहीं, किसी ने दिया नहीं। तो फ्रांस की करेंसी है दोस्तों यूरो। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस पहले फ्रैंक चलाता था लेकिन उसके बाद यूरो जोन बन गया और यूरो जोन का वो मेंबर हो गया, इसलिए फ्रांस की करेंसी है यूरो, याद रखिएगा। ऑल राइट, अब आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक और सवाल। एचएसबीसी बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, एचएसबीसी बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सवाल बड़ा प्यारा है, एचएसबीसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप ऑब्वियस आंसर मत देना, थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड लोकल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अभी एक रोजगार योजना शुरू की है जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके प्रदेश में, उनके लिए, तो वो वेब पोर्टल का नाम क्या है? महारोजगार, महागति, महाजॉब्स या महाकनेक्ट? अरे यार ये तो पेपर में भी बहुत बार आता है तो ये आपने सुना होगा, इसमें मुझे हिंट देने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज़पेपर में कई बार आता है, लोकमत में इसके ऊपर बात हुई है, वो जो आज तक या एबीपी माझा वगैरह देखोगे ना तो उसमें नीचे रनिंग पट्टी में भी ये घूमता रहता है, तो आप बताइए। यस नहीं, महास्वयं वो तो अलग है, महास्वयं कहाँ बता रहे हो आप? सी बोल रहे हैं बच्चे, यस सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इट इज महाजॉब्स, द राइट आंसर इज महाजॉब्स। ऑल राइट, यस हाँ आगे बढ़ते हैं, अरे सॉरी पीछे आ गए हम, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया? इस किताब के लेखक कौन है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड ऑफ इंडिया, इस बुक के ऑथर कौन है? मोहित बर्मन, आरसी भार्गव, सुनील दुग्गल या जगदीश खट्टर?
अब देखो इस सवाल का हिंट वही बच्चा बता पाएगा जो थोड़ा बहुत अच्छा रीडर होगा, जिसको थोड़ा बहुत इतिहास मालूम है, वो ये सवाल तुरंत सॉल्व कर लेगा। हिंट ये है कि वो आदमी जिसके सामने मारुति सुजुकी कंपनी बनाई गई, जो मारुति सुजुकी कंपनी के भीष्म पितामह रहे, मारुति सुजुकी कंपनी जिनके सामने पूरी बनी, वो शुरू से उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहे, वो इसका राइट आंसर है। तो बोलिए मैं किन की बात कर रहा हूं। यस, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेल डन यार। द राइट आंसर इज आरसी भार्गव, आरसी भार्गव। अब जरा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। संजय गांधी जो थे ना, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे, इंदिरा के दो बेटे संजय और राजीव, सॉरी संजय गांधी छोटे थे, राजीव बड़े थे। संजय गांधी का सपना था कि भारत में कार कंपनी लानी है, और कार कंपनी, छोटी ही कार कंपनी लानी थी उनको, छोटे साइज की कार, क्योंकि भारत की सड़कें बहुत बेकार थी। तो इसीलिए उन्होंने जापान की एक कंपनी के साथ टाइप किया था, सुजुकी, और फिर उन्होंने कंपनी खोली थी मारुति उद्योग लिमिटेड, और पहली कार निकाली थी मारुति 800, राइट। उसके बाद फिर सुजुकी के स्टेक्स उसमें बढ़ गए और फिर नया नाम पड़ गया मारुति सुजुकी। भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ही है, और उस कंपनी में शुरुआती दौर से जो व्यक्ति एसोसिएटेड थे उनका नाम रहा है आरसी भार्गव। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में कंपनी के प्लांट के सामने हनुमान जी का मंदिर था, इसीलिए कंपनी का नाम पड़ा मारुति। ये भी उसके पीछे एक लॉजिक है। विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2020 एसडीजी इंडेक्स? कल हमने एसडीजी इंडेक्स में भारत का क्या हाल है वो देखा था, तो एसडीजी में तो हम 100 के पीछे आते हैं, लेकिन उस एसडीजी में टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे या स्वीडन? ओके, वैसे मैं कैपिटल बताऊंगा तो आप आंसर बहुत जल्दी बताओगे, तो मैं कैपिटल नहीं बताऊंगा, मैं हिंट में आपको बता रहा हूं करेंसी। इस कंट्री की करेंसी है क्रोना, कंट्री की करेंसी है क्रोना। तो अब मुझे बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्रोना, क्रोना कौन से कंट्री की करेंसी क्रोना है, जल्दी बोलो। शुभांगी, नहीं बेटा आंसर गलत है। शिवराज साहब का आंसर गायत्री, अक्षय, गुरु, प्रणव, रजत, डीसीवी। हाँ, अब आगे सारे आंसर राइट। द राइट आंसर इज स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और स्वीडन की करेंसी है क्रोना। ऑलराइट, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पे, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट। ओके, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जिसके तहत डिमांड और सप्लाई, नौकरियों का जो डिमांड और सप्लाई है उसको फिल किया जा सके, वो कौन सा है? असीम, सेतु, कुशल या अपार? असीम, सेतु, कुशल या अपार? चलो हिंट देता हूं, ये क्वेश्चन हमने कल दूसरे ढंग से सॉल्व किया था ऑलरेडी। तो बोलिए, बहुत सारे बच्चों को तो आंसर आ भी गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कल ही सॉल्व किया है हमने। यस, राइट। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ चुका है, ए, द राइट आंसर इज असीम। ओके, यस, द राइट आंसर इज असीम। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या सेकेंड सैटरडे ऑफ जुलाई? विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? 9, 10, 11 या सेकंड सैटरडे ऑफ जुलाई? जुलाई का करंट अफेयर्स चालू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भैया आंसर, बताइए जल्दी करिए। चलिए 11 जुलाई, वाह शानदार, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है, द राइट आंसर इज 11th of July। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले पूछा था कि HSBC का हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका भी सही जवाब दिया है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। द राइट आंसर इज लंडन, लंडन, नॉट हांगकांग, क्योंकि हांगकांग एक जमाने में अंग्रेजों के कब्जे में था, इसीलिए ये बैंक जो बनी वो अंग्रेजों के हिसाब से लंदन में उसका हेडक्वार्टर रखा गया, तो वो आज भी वही है। ओके, दूसरी बात, ये अगला क्वेश्चन आप सबको दे रहे हैं, बताइए मुझे कि वर्ल्ड टाइगर्स डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? हिंट दे देता हूं, जुलाई महीने का करंट अफेयर्स है, इसलिए टाइगर्स डे भी जुलाई में ही है, बस इतना ही हिंट है बेटा, तारीख आपको बतानी पड़ेगी, वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, बोइंग कोऑपरेशन
कॉर्पोरेशन हैज कंप्लीटेड द फाइनल डिलीवरी ऑफ ऑल द 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स टू द इंडिया एयरफोर्स. दिस मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडेड, अरे बाप रे, 26 AH-64E अपाचे एंड 11 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स. अब देखिए, आम आदमी को बेसिकली दो ही चीजें मालूम होती है, एक तो अपाचे और दूसरा चिनूक. ओके, तो मैं जनरली जितने हेलीकॉप्टर्स की वैरायटी है उसमें सीरीज के जगह सिर्फ ये अपाचे और चिनूक ऐसे ही याद करता था. तो हम इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आंसर देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ये क्वेश्चन अदरवाइज. सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22 AH-64E अपाचे और 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स. ओके, अब ऐसे रेयर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई वैरायटी हमने छोड़ दी है. सो लेट अस डू ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, बोइंग कंपनी कौन से देश की है दोस्तों? यूएसए. और दुनिया में बोइंग के टक्कर की एक और कंपनी कौन सी है? एयरबस. और एयरबस कहाँ की है? यूके की. ये दो ही कंपनी है विमान बनाने वाली जिनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे. ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिन्यूड द MOU ऑफ IEA. व्हाट इज IEA? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑन एनर्जी सेक्टर सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस. व्हाट इज द टर्म ऑफ न्यू MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने IAE के साथ एक नया MOU साइन किया है, तो वो नए MOU का टर्म पीरियड क्या है? 5 साल, 3 साल, 4 साल या 2 साल? बोलिए, एनी गेसेस ऑन दिस? एनी गेसेस ऑन दिस? बोलिए, एनी गेसेस ऑन दिस? चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब है 3 साल. ओके, द राइट आंसर इज 3 इयर्स. ओके, एक और चीज, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे जुड़ी हुई दो बातें आप याद रखना, एग्जाम में आई थी, टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत जरूरी है. पहला तो ये कि इसका हेडक्वार्टर है मांडालुयोंग में. मांडालुयोंग ये एक जगह का नाम है जो कि मनीला में है, और मनीला फिलीपींस की राजधानी है. तो इतना पूरा बता देने के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं. देश का नाम है फिलीपींस, कैपिटल का नाम है मनीला, और वहां पर मांडालुयोंग, और इसके प्रेसिडेंट साहब का नाम है मासात सुगु आसा कावा. मासात सुगु आसा कावा. सवाल ये आया था सैंपल पेपर में कि मासात सुगु आसा कावा कौन से देश के हैं. द राइट आंसर इज जापान. He is from Japan. Okay? और भारत इसका मेंबर है, नो डाउट. ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में. नादौन पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड अमंग द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया. इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. हाँ, मतलब मैं जब अपनी सीरीज ले रहा था जून जुलाई में, उस समय ये क्वेश्चन आया ही था. नादौन पुलिस स्टेशन, जो कि भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन माना गया है, वो पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या केरला? बोलिए दोस्तों कहां पर है. चलो हिंट दूं आपको, हिंट है जयराम ठाकुर. हिंट है जयराम ठाकुर. अब आप जरा मुझे बताओ, जयराम ठाकुर नाम के व्यक्ति जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो कौन से राज्य के हैं? वाह, आंसर आ गया ना, द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. यस, गोल्डन पीरियड नाम का कोई व्यक्ति है जो पूछ रहे हैं, इज दिस हेल्पफुल फॉर SBIPO? यस यस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर SBIPO. एंड इन केस इफ यू वुड लाइक टू एक्नोलेज दैट, तो आप SBIPO के पिछले 2-3 साल के सैंपल पेपर्स देख सकते हैं. सच टाइप ऑफ फुल फॉर्म, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑफनली आस्क्ड इन इवन SBIPO. सो दोज स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ SBIPO, दे विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. बेटर दे कैन डू दिस. ओके, या बट SBIPO में आपका मेंस का एग्जाम होगा मार्च में, तो आपको फेब्रुवरी, देन जनवरी, देन दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने ज्यादा ज्यादा किफायती रहेंगे. आज हम क्योंकि जुलाई का कर रहे हैं, तो इनकेस अगर आप जुलाई का छोड़ना चाहते हैं तो वो फ्रीडम आपको है, वो लिबर्टी आपको है. मैं फिर से रिपीट कर दूं, SBIPO का कोई बंदा अगर ये वाला पार्ट छोड़ना चाहता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि उनकी एग्जाम में मेंस का पार्ट फेब्रुवरी या मार्च में आएगा, तो उनको अक्टूबर या सितंबर तक का ज्यादा से ज्यादा जीके करना पड़ेगा. तो अगर वो जुलाई का छोड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. नेम द न्यूली अपॉइंटेड ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया. भारत के हॉकी के नए प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र सिंह, तपन कुमार दास, ज्ञानेंद्रो निगोमबाम या गुमजुम हैदर? ओके, एनी गेसेस ऑन दिस? इसमें प्लीज हिंट नहीं दे सकता, बताइए. राजेंद्र सिंह, तपन कुमार दास, ज्ञानेंद्रो निगोमबाम या गुमजुम हैदर? एनी गेसेस?
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया हुआ है। यस द राइट आंसर इज ज्ञानेंद्रो निगोम्बा। ओके वंस अगेन आपका कुछ कमेंट आया है कि 29 जनवरी को मेंस है। अच्छा ठीक है यार सॉरी। हाँ 29 जनवरी ना, तो देखो जैन दिसंबर नवंबर अक्टूबर एंड सितंबर, ये इतना अगर आप कर लेंगे तो भी काफी होगा। मेक मार्क माय वर्ड्स, इवन इफ यू डू दिसंबर जनवरी नवंबर अक्टूबर एंड सितंबर, दिस वुड बी इनफ। If you want to enhance your knowledge, additionally, if you want to secure yourself, then you may go for August and July also, what we are doing today and tomorrow. Okay. Otherwise, it's absolutely okay. आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी करेंगे तो भी काफी होगा। Today we are doing July, tomorrow we will be taking August, and day after tomorrow we will be taking care of September. So just in case if you would like to join us from September, you're most welcome. Okay. Let's go ahead. Question number 23. अमादू गॉन कोलाबेली हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये एक इंसान है अमादू गॉन कोलाबेली, इनकी अभी अभी डेथ हुई थी जुलाई मंथ में, तो ये कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? चलिए मैं आपको एक हिंट इसमें भी दे देता हूं। इस कंट्री का कैपिटल है यामू सुक्रो। कंट्री का कैपिटल है यामू सुक्रो। द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज यामू सुक्रो। ओके बोलिए। गायत्री का आंसर आ गया, नेहा, श्रुति, उर्मिला सबने आंसर दे दिया है। द राइट आंसर थी आइवरी कोस्ट। यस आइवरी कोस्ट का दूसरा नाम है कोत दी आइवर। कोत दी आइवर, अब ये नाम ऐसा ही है, प्लीज रेस्पेक्ट द नेम एज दे आर। ये कंट्री का दूसरा नाम है कोत दी आइवर और कैपिटल है यामोसुक्रो। ईस्ट अफ्रीका का देश है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 24, Who has been appointed as the new managing director and CEO of ICRA Limited? पहले हम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का नाम देखने से पहले ICRA का फुल फॉर्म लिख लेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज आनाकानी मत करिए, हाथ चलाइए। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट ये लिख लीजिए। ये हो गया आईसीआरए का फुल फॉर्म। अब जरा बताइए कि इसके नए एमडी और सीईओ कौन है? आशु सुयश, एन सिवरमन, सतीश पिल्लई, मवीला विश्वनाथन नायर। मवीला विश्वनाथन नायर। ओके यस, तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया है एन सिवरमन। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं अब तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर ज्यादा है। शिवराज ने सही जवाब दिया है सी, बट दैट्स रॉन्ग। द राइट आंसर इज एन शिवरमन। एंड ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, प्लीज ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म भूल मत जाना, ये लिख के रखना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है? आईसीआरए के फुल फॉर्म में व्हाट डज सी स्टैंड फॉर, या फिर कोई दूसरा ऐसे ही जीडीपी के फुल फॉर्म में व्हाट डज पी स्टैंड फॉर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फुल फॉर्म करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन मिजोरम फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। द प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो है वो मिजोरम की सरकार ने अभी अभी शुरू किया है ताकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में अच्छे बदलाव लाए जा सके, टिकाऊ बदलाव, सस्टेनेबल। तो वो प्रोजेक्ट का फंडिंग, वो प्रोजेक्ट को पैसा इनमें से कौन दे रहा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनेप कहते हैं, वो दे रहे हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी FAO वाले दे रहे हैं। FAO को कुछ ऐसे लिखा जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफिस, या फिर UNDP वाले दे रहे हैं। तो बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर, फ्रॉम वेयर इट गेट फंडेड। ओके एनी गेसेस ऑन दिस? फूड एंड एग्रीकल्चर वालों से फंडिंग नहीं आ रही है। आप एग्रीकल्चर सोच के सी पे टिक मत लगा देना, गलत हो जाएगा, वो एक अलग विभाग है, वो ये फंडिंग वगैरह के काम नहीं करता। यहाँ सही जवाब है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ऑलराइट, मिजोरम, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जोराम थांगा। जोराम थांगा, लक्षात ठेवना, अगदी सोपी है, अगदी सोपी। जिस स्टेट के स्पेलिंग में जेड है वहां के सीएम के नाम में भी जेड है, बस बस इतना याद रखना, काम हो जाएगा। गलती से क्वेश्चन आ गया तो फ्री का 1 मार्क मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारा पहला पड़ाव कंप्लीट हुआ है, चलते हैं क्विकली दूसरे पड़ाव पे। द नेक्स्ट सीरीज ऑफ 25 क्वेश्चन, हियर वी गो विद 26।
अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च द एम इक्रिस्ट इन आईक्रेस्ट आई मीन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है उसने एक नया एम शुरू किया है जिसका नाम है एम आईक्रेस्ट। ये किसके कोलैबोरेशन में उन्होंने शुरू किया है, यूनिसेफ या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या यूसेड? ओके, चलो मैं हिंट देता हूं। ये जो फाउंडेशन है या ये जो फोरम है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया में एनजीओ चलाने के लिए बहुत फेमस है, राइट? और दुनिया के बहुत सारे एनजीओ को फुल फंडिंग देने के लिए भी ये फेमस है, फुल फंडिंग देने के लिए भी ये फेमस है, राइट? हाँ, और बॉलीवुड की एक मूवी हाफ गर्लफ्रेंड में इस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ था। बोलिए, अब बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या बात है, सबका राइट आंसर आ चुका है। द राइट आंसर इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ये दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी फॉर्म्स में से एक है। इनफैक्ट दे आर द बिगेस्ट। आपको एक डेटा बताता हूं, मजा आएगा। बिल गेट्स के पास 2018 का आंकड़ा बता रहा हूं, लेटेस्ट में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो एडजस्ट कर लीजिए, 82 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। 1 बिलियन डॉलर का मतलब तकरीबन तकरीबन 7,400 करोड़ रुपए, और 82 बिलियन डॉलर उनके पास 28 बिलियन डॉलर अमाउंट डोनेट करने के बाद बचा हुआ है, इतना दान करने के बाद। तो अगर ये आदमी रोज 1 करोड़ रुपए भी खर्च करे तब भी इनकी सिर्फ इतनी संपत्ति खत्म होने के लिए कम से कम 370 साल और चाहिए, इतना पैसा ऑलरेडी वो कमा के बैठे हैं। दिस इज ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ न्यूली सेटअप सेंटर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए? निधि खरे, विनीत माथुर, प्रमोद के तिवारी या अनुपम मिश्रा? सीसीपीए, ये फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके नए चीफ कमिश्नर कौन है? ऑलराइट, निधि खरे, विनीत माथुर, प्रमोद कुमार तिवारी, अनुपम मिश्रा। एनी गेसेस ऑन दिस? एनी गेसेस ऑन दिस? यस, राइट आंसर दिया है नेहा ने, प्रमोद तिवारी। शिवराज कह रहे हैं सी, कल्पना कह रही है ए। एनी अदर गेसेस? अक्षय कह रहे हैं सी, डीसीबी कह रहे हैं सी। नहीं यार, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर सही जवाब है, द आंसर इज निधि खरे, ऑप्शन नंबर ए। इट्स नॉट विनीत, प्रमोद और अनुपम, द राइट आंसर इज ए, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हु हैज बीन अवार्डेड एज द 2019 प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड? गोल्डन बूट अवार्ड, ओके, फुटबॉल में एमरिक लैपोर्ट, डेविड सिल्वा, फिल फोडन या फिर जेमी वॉर्डी? इसके बारे में कुछ पता है? पता है तो बताइए, बोलिए। चार ऑप्शन है, एनी गेसेस ऑन द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1। द राइट आंसर हियर इज जेमी वॉर्डी। द राइट आंसर इज जेमी वॉर्डी, ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डेयर टू ड्रीम 2.0 इज एन इनोवेटिव कॉन्टेस्ट लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यार ये बड़ा फेमस हुआ था, इसके ऊपर न्यूज आर्टिकल्स भी आए थे, कुछ बच्चों को तो बिना ऑप्शन के भी समझ में आ गया होगा। डेयर टू ड्रीम ये किसने शुरू किया था? पर आपके ऑप्शंस हैं एनपीसीआई, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी? चलो हिंट देता हूं, हिंट है इसके चीफ का नाम, और चीफ का नाम है के सतीश रेड्डी। के सतीश रेड्डी। अब हेडक्वार्टर बताऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आप बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्या बात है, आधा दर्जन राइट आंसर आ भी गए, वेल डन। द राइट आंसर इज डीआरडीओ। द राइट आंसर इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चीफ का नाम है सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर है इनका न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज इन बेंगलुरु।
ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बीन गिवन द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020 एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के विजेता कौन है जिनको अर्थ सिस्टम साइंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तरफ से नेशनल अवार्ड मिला है। सवाल बड़ा लंबा है बट बताइए, प्रोफेसर अशोक साहनी, प्रोफेसर एम रविचंद्रन, प्रोफेसर एन वी चलपति राव या प्रोफेसर इंद्र शेखर सेन। एनी गेसेस, एनी गेसेस बोलिए, एनी गेसेस। यस कुछ क्वेश्चन, कुछ लोगों के राइट आंसर आ चुके हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स अशोक साहनी। वेल डन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अशोक साहनी। ऑल राइट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। हु वॉज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू सजेस्ट चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यार इसके बारे में जब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने जब अनाउंस की थी तो उस समय उन्होंने रेफरेंस में ये कमिटी का नाम लिया था। ओके क्योंकि उस कमिटी की रिपोर्ट आई और उसके आधार पे फिर बहुत सी चीजें वहां से ली गई है। कस्तूरी रंगन, माधवन नायर, माधव गिल या राधा कृष्णन। ओके अब इसमें से कौन सा नाम आपने ज्यादा सुना है, आप उतना हिंट जरा दिमाग में दौड़ाइए, आपको आंसर मिल जाएगा गाइस। थोड़ा सा किसका नाम आपने बार बार सुना है, गो फॉर द सेम वन। यस सो कल्पना, अक्षय, विराट, उर्मिला, अक्षय, शिवराज, ईशु, शुभांगी, प्रीति, सबके राइट आंसर आ चुके हैं। कृष्णा ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया, नहीं बेटा वो गलत है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी रंगन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी रंगन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कमिटी वमिटी के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। ओके हाँ आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टन वर्ल्ड। इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टन वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? ये रहे चार ऑप्शन, शशि थरूर, मोहम्मद हमीद अंसारी, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। तो चलिए हिंट दे देते हैं, भारत के मौजूदा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, भारत के मौजूदा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है जिनको पूरे मंत्रिमंडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है? हाँ भाई तो सबका सही जवाब आ ही जाएगा, एस जयशंकर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर। ओके कभी अगर आपको किसी ने पूछा कि इनको एक्चुअली में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये चाइना, पाकिस्तान और यूएस के मामले में एक्सपर्ट हैं, तो ऑब्वियसली इन्हीं तीन कंट्री से सबसे ज्यादा पाला पड़ता है अपना, तो ही डिजर्व दैट। ओके इन मेनी वेज। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के नव निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। हिशेम मेशिशी, इमेद हजगुई, काइस सईद, नुरेदनी एरे। राइट ले देकर तो मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, आप बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। ओके क्वेश्चन नंबर 33, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। एनी गेसेस ऑन दिस, इसमें हिंट देना मुश्किल है आप जानते ही हैं, तो बोलिए। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, हिशेम मेशिशी। ओके हाँ लेकिन ट्यूनीशिया देश से संबंधित एक जानकारी आपको जरूर सुन लेनी चाहिए, प्लीज जरा 30 सेकंड का पेशेंस रखिए। यही ईस्ट अफ्रीका का इस्लामिक देश है ट्यूनीशिया, जो कि ईस्ट अफ्रीका में आता है। ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, तो ये देश वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है पिछले 10 सालों में। यहाँ पर एक सब्जी वाला हुआ करता था जिसका नाम पेपर में काफी बार आया हुआ था, तारिक मोहम्मद बुआजीजी, और उस जमाने की जीके में ये नाम भी करवाना पड़ता था। तो तारिक मोहम्मद बुआजीजी ने अपने आप को आग लगा ली थी क्योंकि बहुत सारे प्रशासन के लोग उससे हफ्ता वसूलते थे, तो उसने तंग आकर आग लगा ली। उसके भाई ने फेसबुक नोटिफिकेशन में ये पूरा वाक्या शेयर कर दिया था और उसके बाद जो लोगों का गुस्सा उमड़ा, उन्होंने सीधे सीधे ट्यूनीशिया की सरकार ही पलट दी और ट्यूनीशिया को डेमोक्रेटिक देश बना दिया। यही आग की लपटें आगे जाकर अल्जीरिया तक पहुंची, लीबिया तक पहुंची, जहां जाकर फिर कर्नल गद्दाफी को गोली मारी गई, और उसके बाद वहीं से आगे बढ़ते हुए जॉर्डन, ओमान, और वहीं से फिर सीरिया और इराक में भी बहुत सारे कम्युनल टेंशन हुए,
जिसमें से फिर फाइनली निकला था ISIS। तो ये पूरे सारे के सारे ये टेंशन 2012 से शुरू हुए, जो लगभग लगभग 2018 तक चले हैं। शुरुआत हुई थी ट्यूनिशिया से, ये आज के डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द कर्मवीर चक्र अवार्ड फॉर द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ आई कॉन्गो रिसेंटली। इनमें से किसे कर्मवीर चक्र अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस का और इंटरनेशनल कॉन्फ़ेडरेशंस ऑफ एनजीओ का? आशीष चंचलानी, अजय नागर, संदीप माहेश्वरी, ओके द मोटिवेशनल स्पीकर, या सुनील यादव, SS। बोलिए क्या होगा इसमें सही जवाब? एनी गेसेस ऑन दिस? आशीष चंचलानी, अजय नागर, संदीप माहेश्वरी, सुनील यादव, SS। संदीप माहेश्वरी तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कभी सुना नहीं कि उनको कोई कर्मवीर चक्र अवार्ड वगैरह से। तो ऑप्शन नंबर सी तो मुझे लग नहीं रहा है। ए बी और डी में से कुछ देखिए आप। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही जवाब आ चुका है। द राइट आंसर इज सुनील यादव, SS। ओके, सो लेट अस गो विथ ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अवार्ड का नाम जरा याद रखना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन अवार्ड के ऊपर आएगा। तो इसीलिए प्लीज, सिर्फ नाम याद रखने से काम नहीं बनेगा। पता चला उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि सुनील यादव SS को कौन सा अवार्ड मिला था, तो कर्मवीर चक्र और आई कॉन्गो, ये दोनों लिख के रख लो। राइट, क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35, द बुक टाइटल्ड क्वेस्ट ऑफ रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ दिस ऑफिशियल्स? एक और किताब का नाम, एक और लेखक का नाम। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? विरल आचार्य, NS विश्वनाथन, उर्जित पटेल, या रघुराम राजन? ओके, तो चलिए आपको मैं फिर से एक हिंट दे देता हूं। ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। इतनी हिंट में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। द राइट आंसर इज विरल आचार्य। वेल डन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विरल आचार्य। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 36, महदी मोहम्मद गुलैद हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? महदी मोहम्मद गुलैद इनमें से कौन सी कंट्री के नए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है तात्कालिक प्रभाव से, उसके बाद ये रिप्लेस भी हो सकते हैं, कभी कभी एक्टिंग ही परमानेंट हो जाते हैं। इथियोपिया, सोमालिया, नाइजीरिया एंड येमेन। अब यहां पर आपको हिंट देनी पड़ेगी, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। कैपिटल है मोगादिशु, मोगादिशु, और दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है ये, दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। चलो एक और हिंट जोड़ देते हैं इसके साथ, ये देश ईस्ट अफ्रीका में है। अभी ईस्ट अफ्रीका में बोल देने के बाद ये येमेन वगैरह को गोली मारो ना, ये तो सऊदी अरब का पड़ोसी है, वो थोड़ी है। तो अब बच गए तीन, अब आप बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे लोगों ने दे दिया। वेल डन, यू गॉट द हिंट। द राइट आंसर इज सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक। इसके ऊपर एक हॉलीवुड की मूवी भी बनी है, ब्लैक हॉक डाउन। ये उन युद्धों पर है जिसमें अमेरिका के सोल्जर्स मारे गए थे। आपको पता है ना, सोमालियन वॉर में अमेरिका के 19 सोल्जर मारे गए थे, आमतौर पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये जनरली अमेरिका में होता नहीं है, बट फॉर दैट पार्ट द वॉर वॉज वेरी यू नो सैडेस्ट हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, इसीलिए ये इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई थी। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मच अमाउंट विल बी फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, इंडिया रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सिलरेटेड कमर्शियल प्रोग्राम? राइट, These are the four options: 20 crore, 25 crore, 10 crore, या 15 crore. Department of Science and Technology (DST) ने इंडिया और रशिया के जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए का अमाउंट सैंक्शन किया है? 20 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़? All right. Any guesses on this? On the count of 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer here is 15 crore. The right answer is 15 crore. All right, yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च एस्ट्रोस मिशन टू स्टडी कॉस्मोस? कॉस्मोस का मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड, बाय सेंडिंग अ टेलीस्कोप ऑन अ फुटबॉल स्टेडियम साइज्ड बलून।
कौन सी कंट्री ने अभी अभी एक आस्ट्रोस मिशन शुरू किया है ताकि कॉस्मोस की अंतरिक्ष की पढ़ाई की जा सके एक टेलीस्कोप से, जिसमें इस मिशन के तहत उन्होंने एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर का बलून भेज दिया है ऊपर? तो जापान, जर्मनी, यूएस या रशिया? जापान, जर्मनी, यूएस या रशिया? ऑलराइट, तो हिंट तो बनता है। हिंट ये है कि स्पेस एक्स नाम की एजेंसी उसी देश की है जिसके मालिक है इलॉन मस्क। स्पेस एक्स नाम की एजेंसी उसी देश में है जिसके मालिक है इलॉन मस्क। तो बस आ जाएगा आंसर, बोलिए। यूएसए, यूएसए, यूएसए। ऑल राइट, वंडरफुल। तो आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन इसके साथ इन्वॉल्व करके मिल रहे हैं ताकि डायरेक्ट आंसर तक तो आपको पहुंचाना ही नहीं है। इस सेशन का उद्देश्य ही ये है कि आपको डायरेक्ट आंसर देना ही नहीं है, सो दैट हिंट के थ्रू भी आप बहुत सी चीजें कैच करते हुए दोनों बातें एक साथ सीखते चले, राइट? बेंजामिन कापा, नॉट मकापा, साइलेंट है एम। बेंजामिन कापा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? युगांडा, तंजानिया, इथियोपिया या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? हिंट दो। चलिए भैया, हिंट है कैपिटल डोडोमा। डोडोमा, इस कंट्री का कैपिटल है डोडोमा। तो जरा अकल लगाइए, डोडोमा इनमें से किसका कैपिटल है? तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? एनी गेसेस, एनी गेसेस? ओके, राकेश का आंसर अक्षय, उर्मिला एंड राहुल। ओके, उर्मिला ने अपना आंसर डिलीट कर दिया, फाइन। ओके, अब फिर से भेजा है, राइट? तो चारों के आंसर सही है। द राइट आंसर इज तंजानिया, वेल डन। द राइट आंसर इज तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 40, ट्राइफेड हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर द उन्नत भारतीय अभियान? ट्राइफेड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी पार्टनरशिप की है एक संस्थान के साथ जिसका नाम है UBA, यू उन्नत भारतीय अभियान। ओके, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी हैदराबाद? एनी गेसेस ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 40? एनी गेसेस ऑन दिस? चलो हिंट देता हूं, एक बहुत अच्छा हिंट याद आया। अपने अरविंद केजरीवाल साहब यहीं से पास आउट हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, वो इसी कॉलेज के पास आउट हैं। तो बताओ अरविंद केजरीवाल कौन से कॉलेज? अरे क्या बात है, चलिए, बहुत सारे बच्चों को पता है ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ऑल राइट, एक बात तो तय है, जो कार्ल मार्क्स ने कभी बोला था कि जब पढ़ा लिखा आदमी सड़क पे उतरता है तो वो बहुत सी चीजें चेंज कर देता है। सड़क पे उतरता है मतलब अपनी मांगे पूरी करने के लिए। आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, उसके बाद रेमोन मैक्सेसे अवार्ड जीत चुके हैं, टाटा स्टील में 5-6 साल काम कर चुके हैं, आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और एज एन आईएएस ऑफिसर भी काम कर चुके हैं। अब इतना पढ़ा लिखा आदमी डायरेक्टली अगर आता है तो ऑब्वियसली बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्रिटिसिज्म भी उतने ही है, मैं मतलब यानी अननेसेसरीली इनको फेवर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बट देन जो क्वालिफिकेशन है वो तो है, ऑब्वियसली इतने पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस इंडिया में होते नहीं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41, रोजगार बाजार इज अ वेब पोर्टल लॉन्च बाय विच स्टेट टू ब्रिंग द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म? लीजिए, अभी थोड़े देर पहले हमने एक और ऐसा ही प्लेटफॉर्म देखा था जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और अभी एक और नया प्लेटफॉर्म है जो कि किसी दूसरे प्रदेश ने शुरू किया है, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? रोजगार बाजार, तो बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। रोजगार बाजार इज अ वेब पोर्टल लॉन्च बाय विच स्टेट टू ब्रिंग जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म? हिंट दू, हिंट ये है कि इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा पर डे कोविड-19 केसेस यहीं से निकल रहे हैं। पर डे कोविड-19 केसेस इस वक्त अभी पिछले एक हफ्ते में, हाँ पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा यहीं से निकल रहे हैं। तो बोलिए व्हाट इज द राइट आंसर। क्या बात है, लाइन से राइट आंसर आ गया, वेल डन। द राइट आंसर इज दिल्ली। ओके, दिल्ली से ही निकल रहे हैं। ओके, रोजगार बाजार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इन एडिशनल चार्ज फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ लालजी टंडन? अरे यार, ये तो मैंने कल बातों बातों में ही बता दिया था। लालजी टंडन जो कि 85 ईयर्स की उम्र में मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और तबीयत खराब होने के बाद फिर उनका देहांत हो गया,
तो उनके चले जाने के बाद किसे एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का? आचार्य देवव्रत, सत्यदेव नारायण आर्य, भगत सिंह कोश्यारी या आनंदी बेन पटेल? अब जब उनकी तबीयत नासाज थी उस समय वो हॉस्पिटल में थे तो तब से ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया था, तो आपको तो मालूम ही होगा हु इज द राइट आंसर। यस द राइट आंसर इज आनंदी बेन पटेल। वंस अगेन ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, इट्स आनंदी बेन पटेल। और वैसे आनंदी बेन पटेल कहाँ की गवर्नर है? ये है उत्तर प्रदेश की। तो इनके पास अब दो हैं, यूपी और एमपी, दोनों की गवर्नरशिप ये कर रही हैं फिलहाल। ऑल राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 43, नेम द विनर ऑफ द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 के विनर कौन है? रहीम स्टर्लिंग, जॉर्डन हेंडरसन, एडन हजार्ड या मोहम्मद सलाह? ओके, थोड़ा रेयर क्वेश्चन है, वंस अगेन नॉट अ कॉमन वन, सो लेट मी सी कितने लोगों को पता है। रहीम स्टर्लिंग, जॉर्डन हेंडरसन, एडन हजार्ड या फिर मोहम्मद सलाह? ओके, एनी गेसेस, एनी गेसेस ऑन दिस? द राइट आंसर हियर इज जॉर्डन हेंडरसन। द राइट आंसर इज जॉर्डन हेंडरसन। ओके, माफ करना दोस्तों, मैंने बहुत आई मीन 20-22 क्वेश्चन हो चुके होंगे, हमने वर्ल्ड टाइगर्स डे की बात की थी और उसके बाद ये क्वेश्चन का जवाब देना ही रह गया, वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? माफ करना, आपके कमेंट्स में देख नहीं पाया, जिन लोगों ने कमेंट्स दिया होगा आंसर का एक्सपेक्टेशन होगा वो लिख सकते हैं, वर्ल्ड टाइगर्स डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपको ये पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो ये रहा उसका आंसर। ऑलराइट, वर्ल्ड टाइगर्स डे 29th of July। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पे, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के सीरीज में भी करवाया था ये क्वेश्चन। इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक या आंध्रा बैंक? ओके, चलो अब यहां पर आपको एक कॉमन हिंट देना बनता है। हिंट है, इस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, बस इससे आप कैच कर लो। यस, राकेश गोराने ने आंसर दिया है, प्रीति ने आंसर दिया है, शिवराज, विराट, दिव्या, यहां तक सारे आंसर सही है। कल्पना का आंसर गलत है, लेकिन फिर सविता, उर्मिला, नरेंद्र, आपके आंसर भी सही है, मतलब सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता और उसके हेडक्वार्टर है चेन्नई में, राइट, ये बात आप याद रखिएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ द इंडियन नेवी हैज रिसेंटली बीन कमीशन इन विच स्टेट? लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का अभी तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या तमिलनाडु? महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या तमिलनाडु? तो चलिए आपको हिंट दे देते हैं, हिंट है पिनरई विजयन, हिंट है पिनरई विजयन। ओके, राइट, बोलिए, एनी गेसेस, क्या बात है, सबके आंसर आ गए हैं, द राइट आंसर इज केरला, यू गॉट द हिंट, द राइट आंसर इज केरला। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 पे, नेम द फर्स्ट एवर इंडियन पोर्ट विच हैज रिसेंटली साइंड द कमिटमेंट लेटर टू साइन बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। ये पहला ऐसा पोर्ट है जहां पर एक कमिटमेंट लेटर साइन किया गया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव का, मतलब उस पोर्ट पे, उस बंदरगाह पे साइंस रिलेटेड चीजें की जाएंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट या कमराजार पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड? ओके, एनी गेसेस ऑन दिस, एनी गेसेस ऑन दिस? चलिए हिंट देता हूं, ये भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति के नाम पर है, ये पोर्ट भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति के नाम पर है। अरे ऑप्शन में दिख रहा है, कॉमन सेंस लगाओ ना, ऑप्शन में दिख रहा है भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति के नाम पर है, ऑप्शन में दिख रहा है तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए, प्रियंका ने बोला है बी, अक्षय, डीसीबी, प्रीति, नेहा, प्रियंका, राकेश, सबने बोल दिया है बी, हाँ, द राइट आंसर इज अदानी पोर्ट्स। ओके, और उद्योगपति का नाम क्या है? गौतम अदानी, गौतम अदानी। ओके, अडानी, अडानी अपना मराठी वाला अडानी नहीं, अदानी। ओके, यस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक बात याद रखना,
भारत सरकार अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रकार के जोन बनाती है। कौन कौन से? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दूसरा बनाती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ, और तीसरा बनाती है फ्री ट्रेड जोन FTZ। राइट, याद रखना, फिर से एक बार पढ़ देता हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड फ्री ट्रेड जोन, ये किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। राइट, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा डॉलर आ सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और सवाल बड़ा छोटा सा ही है लास्ट में। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इनिशिएटेड अ ट्री प्लांटेशन कैंपेन, वृक्षारोपण अभियान, अंडर विच सीडलिंग्स वर प्लांटेड एट मोर देन 130 लोकेशंस इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 10 स्टेट्स। ओके, ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण अभियान के तहत 130 लोकेशंस पे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 राज्यों में अलग अलग जगह पर बीज बोए गए हैं, तो भारत के कोल मिनिस्टर कौन है? बताइए, सवाल कहाँ है और कहानी क्या सुना रही है? अर्जुन राम मेघवाल, महेंद्र नाथ पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, अरे माफ करना, ये ऑप्शन दो बार आ गया है, एंड प्रहलाद जोशी। ओके, तो ऑब्वियसली वी आर हैविंग ओनली थ्री ऑप्शंस, अर्जुन राम मेघवाल, महेंद्र नाथ पांडे एंड प्रहलाद जोशी। तो बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? भारत के यूनियन कोल मिनिस्टर कौन है? सबको पता है, प्रहलाद सिंह पटेल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, सॉरी, प्रहलाद जोशी, माफ करना, पटेल निकल गया मुंह से, प्रहलाद जोशी। ओके, यस। भारत की सबसे बड़ी कोल माइंस कहाँ है? बाय द वे, कोई जानता है भारत की सबसे बड़ी कोल माइंस कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, झारखंड, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। भारत की सबसे बड़ी कोल माइन कहां पर है? झारखंड, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़? एनी गेसेस ऑन दिस? क्वेश्चन नंबर 48 पे जाने के बाद इसका आंसर लेते हैं। अमला शंकर, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज अ रिनाउंड डांसर एंड कोरियोग्राफर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? अमला शंकर, ये एक रिनाउंड डांसर और कोरियोग्राफर थी, ये कौन से राज्य की थी? चलिए हिंट दूं, हिंट ये है कि इस राज्य में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं और अभी से सियासत गर्म है। इस राज्य में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और अभी से सियासत बड़ी गर्म है, क्या बात है? द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, यस। और मैंने आपको जो पिछले पीछे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा कोल माइन कहाँ है, झारखंड, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़, इत्तेफाक से इसका आंसर भी वेस्ट बंगाल ही है। कुछ बच्चों ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेस्ट बंगाल, और उस माइन का नाम है रानीगंज, रानीगंज, रानीगंज माइंस, विच इज इन वेस्ट बंगाल। यहाँ से सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। ऑल राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज सेट द टारगेट टू अचीव 1 बिलियन टन्स प्रोडक्शन ऑफ कोल बाय विच ईयर? ये सवाल मैं 2014 से देख रहा हूँ, क्योंकि मोदी सरकार का ये टारगेट रहा है कि कोल प्रोडक्शन एकदम बदस्तूर बढ़ाना है। 2022, 23, 23, 24, 24, 25 या 21, 22? ओके, चलिए, इसमें कोई हिंट देने जैसा है नहीं, डायरेक्टली इसमें आंसर पे आते हैं। इसका सही जवाब है 2023-24, लेकिन इसके पीछे का एक बैकग्राउंड आप लोगों को सच में समझ लेना चाहिए। 2014 तक जब यूपीए सरकार थी, ओके, उस समय की बात है, भारत 500 एमएमटी, मिलियन मेट्रिक टन, इतना कोयला प्रोड्यूस करता था। ओके, अब सरकार का शुरू से प्लान ये रहा कि जीडीपी भगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाना है और आत्मनिर्भर बनना है, तो कोयले का इंपोर्ट जितना हो सके हम कम करेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना कोयले का प्रोडक्शन देश के अंदर से करेंगे। उस चक्कर में हर साल ये टारगेट बढ़ाने का प्लान शुरू से रहा, और इसी के बेसिस पे भारत को पूरा घर घर उजियाला करने वाला कार्यक्रम भी था कि भाई पूरे भारत को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर देना है, क्योंकि उसके लिए चाहिए थी बिजली, या तो आप पावर ग्रिड से करोगे या सोलर ग्रिड से करोगे।
तो ऑब्वियसली ये टारगेट अचीव करने का काम तो था ही कि इसको सीधे सीधे डबल करके 1,000 मिलियन मेट्रिक टन कर देना है। 1,000 मिलियन मेट्रिक टन का मतलब ही है 1 बिलियन। लेकिन ये काम ठीक से नहीं हो पाया और टारगेट आगे चलते चले गए चलते चले गए। ये टारगेट तो 2020 में ही अचीव करना था, लेकिन अब ये टारगेट 2023-24 तक चला गया है। सो इट हैज टू बी 1 बिलियन यानी 1,000 मिलियन मेट्रिक टन। इतना कोयला क्यों प्रोड्यूस करना है? क्योंकि ऑब्वियसली उतना बिजली उत्पादन करना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आ सके। दिस इज द प्लान। क्वेश्चन नंबर 50, द नेशनल सोलर मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 GW ऑफ सोलर पावर बाय विच ईयर। अरे यार, ये क्वेश्चन कई बार हुआ है, इसमें मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गड़बड़ करे आप लोग। भारत सरकार का टोटल एम है 175 GW प्रोड्यूस करना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। 175 में से 100 GW तो केवल सौर्य ऊर्जा से लाना है, सोलर एनर्जी से। तो वो सोलर एनर्जी का 100 GW उसका टारगेट क्या है? आई होप आपके आंसर आ ही गए होंगे। प्रणव ने आंसर दे दिया है 2022। कल्पना, प्रीति, वैष्णवी, हरिकृष्ण और उर्मिला सबके आंसर आ चुके हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2022। ये याद रखना, ओके। और ये फिगर्स भी याद रखना, 175 GW ये भारत सरकार का अल्टीमेट टारगेट है। इसमें पवन ऊर्जा भी है, इसमें सौर्य ऊर्जा भी है, इसमें बायोमास फ्यूल भी है, राइट, इसमें वाटर एनर्जी भी है, सब कुछ है। लेकिन मैक्सिमम 100 GW के आसपास केवल सोलर एनर्जी से आएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले दूसरा पड़ाव क्योंकि खत्म हो चुका है, आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक और सवाल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका भीष्म पितामह ही भारत रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज को भारत ने जोड़ लिया है, EISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत ने ट्रॉपिकल कंट्रीज को इकट्ठा करके ISA नाम का एक ग्रुप बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, क्वेश्चन नंबर 51 में इसका आंसर लेंगे। बताइए, नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? PK सतपथी, अमिताभ मुखर्जी, सुमित देव या बैजेंद्र कुमार? बैजेंद्र कुमार। ओके, एनी गेसेस ऑन दिस? एनी गेसेस ऑन दिस? यस, बोलिए, NMDC के नए चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, द राइट आंसर इज सुमित देव। ओके, एक्चुअली में ये एकदम इत्तेफाक की बात है, कल ही इसका जवाब मतलब ऐसी बातों बातों में डिस्कस हुआ, क्योंकि गेट टुगेदर में वन ऑफ माय सिस्टर एक्चुअली वर्क्स एट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो ऑफनली लाइक इसके ऊपर कभी कभी बात हो जाती है, और इत्तेफाक से ये 1 मार्क का GK क्वेश्चन बन ही गया। इट्स सुमित देव। ऑल राइट, यस। अब आप सब लोगों ने जो आंसर दिया है, गुरुग्राम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ओके, जिसका पुराना नाम है गुड़गांव। वेल डन, ओके, सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द इनॉग्रल गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। अरे यार, ये इतना फेमस है कि बिना ऑप्शन के आपको इसका नाम बताना चाहिए। चलो हिंट देता हूं, ये वही लड़की है जो सबसे बड़ी क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम पर उभर के सामने आई है, 16 साल की स्वीडन की वो लड़की, जिसने क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में दुनिया में अभी अभी खूब अपनी पहचान बना ली है, उसको ही ये अवार्ड मिला है। तो बताइए उनका नाम क्या है? बताइए बताइए बताइए। यस, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दे दिया है, ग्रेटा थनबर्ग। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि बिना ऑप्शन के कितने लोगों को मालूम है। द राइट आंसर इज ग्रेटा थनबर्ग। ओके, ग्रेटा थनबर्ग। अब ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं कि तुरंत चुना जा सकता है, ईमा वॉटसन कहाँ से आ गया, मलाला यूसुफजई, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिला है, और नाडिया मुराद नहीं है इसका आंसर। द राइट आंसर इज ग्रेटा थनबर्ग फ्रॉम स्वीडन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। निकारागुआ हैज साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लीजिए मैं जिसकी बात कर रहा था वही, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इट इज द डैश कंट्री टू साइन द एग्रीमेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन करने वाले देशों की संख्या में निकारागुआ कौन से नंबर का देश है? बोलिए, 48, 87, 72 या 91? एनी गेसेस ऑन दिस? एनी गेसेस ऑन दिस? बोलिए, बहुत सारे इसमें पैसिव पार्टनर्स भी हैं। 67 क्या लिख रहे हो? 87 बोलना है क्या? हाँ, करेक्ट है। द राइट आंसर इज 87।
वेल डन, द राइट आंसर इज 87. आता याच्यात एक गोष्ट लक्षात घ्या प्लीज, व्यवस्थित पहा, आपको कभी भी ये कंफर्म करना हो तो ये बस ये जरा एडजस्ट कर लेना, ये मैं पृथ्वी बना रहा हूं, बस एक सेकंड लगेगा, बस आप देखते चलिए. हाँ देखो, ये है कर्क वृत्त, सबको पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये है मकर वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. राइट, सूर्य की रोशनी इस पोर्शन में सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है. तो भारत क्या कर रहा है कि इस फ्रेम में जितने भी देश आते हैं इस रीजन में, ये वाले रीजन में, उन सबको पार्टनर बनाता जा रहा है, उन सबको पार्टनर बनाता जा रहा है. ये पहली शर्त है, क्योंकि उसके बिना सौर्य ऊर्जा निर्माण करेंगे कैसे अच्छे से. तो इतने रीजन में आपको जो भी देश दिखेंगे ना, वो मैक्सिमम इसके मेंबर्स होते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज को मेंबर बना देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के हिसाब से. ऑलराइट, याद रहेगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे. आर नारायणा स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ द नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट अथॉरिटी, NFRA. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी? ओके, आर नारायणा स्वामी जो है वो चेयर पर्सन चुने गए हैं टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी के, NFRA के. ओके, उस कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 15, 10, 7 या 4? थोड़ा रेयर क्वेश्चन है, हो सकता है इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा. लेट अस गो डायरेक्टली टू द आंसर्स. द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 7. ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7. आप आर नारायण स्वामी और NFRA का फुल फॉर्म लिख के रखो बस, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55. चाइना हैज रिसेंटली लॉन्च अ प्रोब अंडर इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोब? चाइना ने अपना नया मिशन मार्स के लिए जो भेजा है सैटेलाइट का, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? जेंगही 1, चेंगे 1, युआंगो 1 या तियानवेन 1? ओके, वैसे इसमें बाकी के ऑप्शंस दूर दूर तक, मतलब कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत जानी चाहिए, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा बहुत जीके पढ़ भी रहे हैं, दे मस्ट गेट द राइट आंसर फॉर दिस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर आया है तियानवेन 1. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तियानवेन 1. वेल डन. ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे. तुर्कमेनिस्तान हैज बीन ग्रांटेड एज द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. विद द एडिशन ऑफ तुर्कमेनिस्तान WTO हैज नाउ हैज हाउ मेनी ऑब्जर्वर कंट्रीज? ओके, तुर्कमेनिस्तान ने WTO अभी अभी ज्वाइन किया है. ओके, तुर्कमेनिस्तान के आ जाने के बाद WTO में ऑब्जर्वर कंट्रीज की संख्या कितनी है? फर्क है हाँ, WTO का मेंबर बनना एक अलग बात है और WTO का ऑब्जर्वर मेंबर बनना एक अलग बात है. ऑब्जर्वर मतलब आपको दूर से देखना है कि ये लोग क्या करते हैं बस, और उसके बाद अगर आपको जमता है तो फिर बाद में आप उसके मेंबर बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर मेंबर. 18, 25, 30 या 28, बोलिए WTO के कितने ऑब्जर्वर देश हैं? तो अभी ये तुर्कमेनिस्तान कौन से नंबर पे आ गया है? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 25. ओके, द राइट आंसर इज 25. WTO, WTO का पुराना नाम हुआ करता था GATT, GATT, ये याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. फिर उसका नया वर्जन आ गया WTO, विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पे. Who has been conferred as the Legend of Animation Award for Toons Media Group TMG for 2020? इनमें से किसे लेजेंड ऑफ एनिमेशन नामक अवार्ड मिला है टून्स मीडिया ग्रुप द्वारा 2020 के लिए? अर्नब चौधरी, राजीव चिलाका, किरीट खुराना या मानिक सरकार? एनी गेसेस ऑन दिस? ओके, अर्नब चौधरी, राजीव चिलाका, किरीट खुराना या मानिक सरकार? ओके, लेजेंड ऑफ एनिमेशन नामक अवार्ड टून्स मीडिया ग्रुप द्वारा 2020 के लिए किसे दिया गया है? ओके, द राइट आंसर हियर इज अर्नब चौधरी, द राइट आंसर इज अर्नब चौधरी. ऑल राइट, राहुल पूछ रहे हैं कौन से मंथ का जीके हैं. राहुल, ये जुलाई मंथ का जीके चल रहा है, आप शायद थोड़ा देरी से ज्वाइन हुए हैं,
ये जुलाई मंथ का है और आरबीआई असिस्टेंट के लिए काम चालू है। आरबीआई असिस्टेंट के लिए 6 महीने का जीए हम कवर कर रहे हैं, जून हमने कल कवर कर लिया है, ये जुलाई मंथ का है। ओके, तो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट या आने वाले दिन में आप नवंबर, दिसंबर या जनवरी में कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये सेशन अटेंड करना चाहिए। बाकी सबके लिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, अगर आप नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट आने वाला है तो आपको ये सेशन जरूर करना चाहिए। ये मत सोचिए कि केवल आरबीआई असिस्टेंट के लिए, आरबीआई असिस्टेंट एक निमित्त है क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट एकदम सामने और सिलेबस एकदम कॉमन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमॉन्ग द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल्स राइट इन द ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020। द इंडेक्स इज रिलीज बाय विच बॉडी? देखिए सवाल इतना भयानक है, ये पूछ रहा है कि भारत दुनिया के 10 सबसे खराब देशों में है जहां पर काम करने का जो कल्चर होता है, पीपल्स राइट, वर्किंग पीपल्स राइट इन द ग्लोबल राइट्स इंडेक्स, उसमें एक्चुअली में भारत के लोगों को बिल्कुल ही अधिकार मिलते नहीं है। तो ये जो रैंकिंग है ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इंटरपोल। बाप रे, इंटरपोल पुलिस वाले हैं ये लोग, ये काम क्यों करेंगे यार? क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ओके, तो बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? इंटरपोल तो मैंने जगह से ही हटा दिया, इंटरपोल अरे भैया ये क्राइम अपराधियों को पकड़ने के लिए होता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये बनता है, ITUC या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, काम करने का कल्चर जो दुनिया में सबसे खराब जिन 10 देशों में, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक है भारत, तो उसकी रैंकिंग कौन निकालता है? एनी गेसेस ऑन दिस? कुछ बच्चों ने सी दिया है आंसर और कुछ बच्चों ने इक्वली डी दिया है। बहरहाल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ITUC। याद रखना, फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऑल राइट, यस। तो अपने यहाँ चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे फिर प्राइवेट जॉब हो, आजकल मोस्ट ऑफ द जॉब में जो कल्चर है उसको सुधारने की बातें बहुत तेजी से चालू है, क्योंकि कल्चर बदलना काफी जरूरी है। फिर वो मतलब हैरेसमेंट का हो या फिर ओवर टाइम का हो, चीजों को टाइम पे ठीक करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 59, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी PS टू रामनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद जी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? ओके, ये रहे आपके 4 ऑप्शन, प्रवीण सिद्धार्थ, अजय भाडू, जे जी सुब्रमण्यम या शिवेंद्र चतुर्वेदी। बोलिए रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या है? प्रवीण सिद्धार्थ, अजय भाडू, जे जी सुब्रमण्यम या फिर शिवेंद्र चतुर्वेदी? एनी गेसेस ऑन दिस? एनी गेसेस ऑन दिस? नो, बोलिए पी प्रवीण सिद्धार्थ। क्या बात है, राकेश का आंसर राइट है, प्रियंका ने भी राइट आंसर दिया है, प्रीति ने भी राइट आंसर दिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पी प्रवीण सिद्धार्थ, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 60, हम बिल्कुल टाइम के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं? 6:30 बज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 15 मिनट में सब कुछ मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 6:45 तक सब वाइंड अप हो जाएगा। जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया? जोराम मेगा फूड पार्क, अब जोराम मेगा फूड पार्क बोल देने के बाद थोड़ा बहुत हिंट तो यहीं से मिल जाता है। जोराम मेगा फूड पार्क, नाम से ही आधे से ज्यादा जीके क्लियर हो रहा हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? जोराम नाम मिजोराम में ही तो होगा, तो सही जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर सी, अकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जोराम थांगा जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो इनका भी नाम लगे हाँ तो हम याद रख लें। ऑल राइट, ओके, मिजोराम। चलिए अब आपको एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछते हैं, मिजोराम की बॉर्डर भारत के किस पड़ोसी मुल्क से टच होती है? मिजोराम की बॉर्डर भारत के किस पड़ोसी मुल्क से टच होती है? अकल लगाइए, 2 सवाल के बाद आपको इसका जवाब मैं दूंगा, तब तक आप अपना जवाब कमेंट थ्रेड में मुझे बताइए। नवीन रोजगार छतरी योजना इज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च फॉर द ST/SC ग्रुप इन विच स्टेट? ओके, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा?
नवीन रोजगार छतरी योजना इज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च फॉर द SC/ST ग्रुप ऑफ विच स्टेट. ओके, एनी गेसेस ऑन दिस? चलिए वंस अगेन, इसके ऊपर कोई हिंट देना है तो मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं. अभी अभी इस स्टेट में उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मौजूदा सरकार का, तो वंस अगेन चीफ मिनिस्टर साहब बड़े खुश थे. ओके, हाँ, एनी गेसेस मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस, इट्स उत्तर प्रदेश. क्या बात है, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. ओके, उत्तर प्रदेश में ही हुए. एक्चुअली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में हुए, लेकिन मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं, तो बचता है सिर्फ उत्तर प्रदेश. ऑल राइट, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल बोलता तो आप तो एक झटके में बता देते. तो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. ओके, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हाँ, सिद्धेश ने बांग्लादेश बोला है, प्रीति ने बांग्लादेश बोला है, नीलेश ने भी बांग्लादेश बोला है. अरे नहीं यार, कमाल करते हो यार. इधर देखो, और कभी भूलना मत, घर में कोई स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे तो उनके सामने कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी वो कुछ पूछ ले तो ध्यान से देखो, कभी भूलना मत. ये जो अंगूठा दिख रहा है ना आपको, ये भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मैप बनाया मैंने. ये जो अंगूठा दिख रहा है ये है सिक्किम, उसके बाद ये टॉप पर आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उसके नीचे आता है नागालैंड, उसके नीचे इधर आता है मिजोरम, इधर आता है त्रिपुरा, फिर ऊपर आता है मेघालय, और उसके ऊपर आता है आसाम. राइट, ये ऐसा है पूरा का पूरा. अब मिजोरम की जो बॉर्डर है, और इधर मणिपुर भी है. ओके, थोड़ा सा ऊपर में मिजोरम की जो बॉर्डर है वो यहां से शुरू होती है और वो म्यांमार को टच होती है. म्यांमार, म्यांमार भारत का पड़ोसी है ना, जिसको हम रंगून या ब्रह्म देश कहते हैं, जहां की प्रीमियर यानी उनके यहाँ राष्ट्रपति पद के ऊपर होता है प्रीमियर, वहां की प्रीमियर है आन सान सूची, ऐसा ही नाम है उनका, आन सान सूची. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 62, द होप प्रोब हैज रिसेंटली बीन सक्सेसफुली लॉन्च बाय विच कंट्री अंडर इट्स फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन टू मार्स. ओके, होप प्रोब ये अभी अभी रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है एज द फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन टू मार्स, तो ये किसने किया है? होप प्रोब. ओके, चलिए आपको हिंट देता हूं. अल नाहयान इस कंट्री के प्रेसिडेंट है. अल नाहयान इस कंट्री के प्रेसिडेंट है. नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, मुझे इतना नाम याद है. दूसरी बात, बुर्ज खलीफा इसी देश में है. बुर्ज खलीफा इसी देश में है, बस इतना काफी है. यस, बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर आ गया. द राइट आंसर इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, छोटे छोटे एमिरेट्स हैं और उसके ऊपर एमीर जो किंग है वो, तो कुल मिला के 7 एमिरेट्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. कैपिटल है अबू धाबी. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे. हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द एंड गेम? एंड गेम नाम की किताब के लेखक कौन है? बड़ा अच्छा सवाल है. किशोर देसाई, हुसैन जायदी, सुरेंद्र मोहन पाठक या मधुलिका लिडिल? ओके, एनी गेसेस ऑन दिस? एनी गेसेस ऑन दिस? द एंड गेम के लेखक कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल खलीफा. ओके, ये क्या बता रहे हैं? ओके, हुसैन जैदी. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, 3 आंसर आ गए ऑप्शन नंबर बी पे. वेल डन, द राइट आंसर इज हुसैन जैदी. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हुसैन जैदी. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये. क्वेश्चन नंबर 64, आंद्रेस क्यूरल हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? देखिए, 4 ऑप्शन, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन या जर्मनी. न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन या जर्मनी. ओके, चलिए हिंट दूं. हिंट ये है कि पूरे यूरो जोन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री यही है. पूरे यूरो जोन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री यही है. अब यहीं से समझ में आ जाएगा. यस, सिद्धेश, नीलेश, शुभम, सुहास
और हाँ सुहास ने दोबारा जवाब दिया है, द राइट आंसर इज जर्मनी। ओके, क्योंकि पहली बात तो ये कि यूरो जोन के अंदर न्यूजीलैंड नहीं आता और ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं आता, और स्पेन इतना बड़ा नहीं है अभी। स्पेन लार्जली टूरिज्म पे प्रमोट करता है अपने आप को, मैन्युफैक्चरिंग है बट टूरिज्म और सर्विसेज पे ही प्रमोट करता है, बट जर्मनी इज अनचैलेंजेबल। जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट रेशियो जबरदस्त है और जर्मनी का प्रोडक्शन भी उतना ही भयानक है। द राइट आंसर इज जर्मनी। ऑल राइट, चलते हैं 65th क्वेश्चन पे। नेम द विनर ऑफ द 2020 फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता 2020 के लिए कौन रहे? मैक्स वर्ड्स वर्ड्स टैपन, वेट्री बॉटस, सेबेस्टियन वेटल या लुई हैमिल्टन। ओके, चलो हिंट दूं। हिंट ये है कि ये खिलाड़ी यूके का है, ये खिलाड़ी यूके का है। ओके, यस, सही जवाब है लुई हैमिल्टन। लुई हैमिल्टन इज फ्रॉम यूके। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लुई हैमिल्टन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। व्हिच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 टू एक्सपोर्ट द पावर टू अदर स्टेट्स। ओके, कौन से राज्य ने रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 अभी अभी शुरू किया है ताकि दूसरे राज्यों को वो पावर ट्रांसफर कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी का पावर ट्रांसफर कर सके? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। अभी देखो, थर्मल पावर से बिजली उत्पादन करके दूसरे राज्यों को पहुंचाने का काम बहुत से राज्य करते हैं, वो बात और है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपोर्ट में कौन सा राज्य अभी सामने आया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? एनी गेसेस ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 66? ओके, चलो हिंट दूं। हिंट ये है कि इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। बस आंसर आ जाएगा और क्या। सही जवाब है आंध्रा। वेरी गुड, उर्मिला का आंसर आ चुका है, कल्पना का भी आंसर आ चुका है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश जिसकी आने वाले दिन में कैपिटल बनने वाली है अमरावती। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। Who among this are the winners of the 2020 Nelson Mandela Prize? Nelson Mandela पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? बहुत लंबे चौड़े नाम हैं, आप ही पढ़िए और आप ही आंसर दीजिए। चलिए भैया, मैं 10 तक गिन लेता हूं, तब तक आप इत्मीनान से पढ़िए और बताइए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है। कोशिश करिए, एनी गेसेस, क्योंकि इस तरह के नाम तो पूछे जा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत हिंट आप इससे रिलेटेड कुछ बना लीजिए, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 67। यस, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मिरियाना वर्डिनो यानिस एंड मोरिसाना कुयाटे। ओके, द राइट आंसर इटसेल्फ इज ऑप्शन नंबर सी, यू गॉट दैट राइट, मिरियाना एंड मोरिसाना। ओके, हाँ, नेल्सन मंडेला कौन से कंट्री के थे? साउथ अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला काले और गोरों की जो लड़ाई हो रही थी उसमें अधिकारों की मांग कर रहे थे, और उस जमाने में साउथ अफ्रीका में एपरथीड सरकार चलती थी, एपरथीड सरकार, और वो एपरथीड सरकार के खिलाफ बात करते थे। आपको पता है नेल्सन मंडेला ने 28 साल जेल में गुजारे हैं, 28 साल। ओके, इट्स अ वेरी बिग टाइम, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स। ओके, और उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली नोबेल पुरस्कार विजेता वो रहे। हु इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? अरे यार, इस क्वेश्चन में ना चेंजेस आ सकते हैं, तो एक बार जरा कंफर्म कर लेना, क्योंकि जो नए थे उनका कार्यकाल मेरे ख्याल है सितंबर से शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जुलाई का पार्ट है, तो ये क्वेश्चन में मेरे को आपको दोनों ऑप्शन बताने पड़ेंगे। ओके, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट और पुराने प्रेसिडेंट दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, पुराने जो थे वो हैं तिजानी मोहम्मद बांदे, जो कि हमारा राइट आंसर आएगा क्योंकि ये जुलाई का पार्ट है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने अभी सत्ता हासिल की है वो है वोल्कन बोजगीर। वोल्कन बोजगीर टर्की के हैं, जो मतलब अभी नए इसमें पावर में आ चुके हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्होंने सितंबर से चार्ज लिया है या जनवरी से चार्ज लेने वाले हैं, ये देखना पड़ेगा, लेकिन आप ये दोनों याद रखिएगा ना, ये न्यू है और ये ओल्ड है, राइट? आपको ये दोनों अपने अपने टाइम पे पूछे जा सकते हैं। ओके, सी इज करंट। ओके, राहुल कह रहे हैं सी इज करंट, इसका मतलब रिप्लेसमेंट हो चुका है वोल्कन बोजगीर। यस, क्वेश्चन नंबर 69। पाकिस्तान हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 700 मेगावाट
आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने कौन से कंट्री के साथ अभी अभी आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट 700 मेगावाट के लिए साइन किया है? श्रीलंका, इंडिया, चाइना या फिर यूनाइटेड किंगडम? एनी गेसेस, एनी गेसेस? अरे भैया, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ कैसे कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। इंडिया के साथ झगड़े इतने हो रखे हैं, यूके कहाँ भाव देने वाला है, एक चाइना ही है जो इनको सर पे बिठा के। तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या होने वाला है? चाइना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट्स चाइना। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर, सॉरी 70 पर। विच इज द ओनली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच हैज नो रेल कनेक्टिविटी? ये रहे चार ऑप्शन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसा कौन सा है जहां पर एक भी रेल कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है, जहां पर कोई रेल कनेक्टिविटी आई मीन है ही नहीं? तो एनी गेसेस ऑन दिस? फोर ऑप्शंस वी आर हैविंग, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्किम, बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, इस स्टेट को भारत का अंगूठा कहा जाता है। आत्तस थोड़े प्रश्न पहले मैं जब भारत का मैप बना रहा था तो मैंने बताया भी था, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है। और दूसरा, ये स्टेट भारत का हिस्सा बना था 1975 में, वो भी वोटिंग के आधार पर। तो बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर हियर इज सिक्किम, द राइट आंसर इज सिक्किम। ऑल राइट, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 70। आगे बढ़ते हैं आखिरी के पांच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय नाबार्ड टूवर्ड्स इन्वेस्ट इन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? नाबार्ड ने अभी अभी अपने एक अनाउंसमेंट के तहत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है? एक्चुअली में नाबार्ड वहां पर छोटे छोटे एनजीओ को प्रमोट करने के लिए ये फंड दे रहा है। ओके, तो एनी गेसेस ऑन दिस, एनी गेसेस ऑन दिस, बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, 50 लाख से कम है ये अमाउंट। ओके, तो 50 लाख से कम है तो 50 लाख को मारो गोली और 75 लाख को मारो, 44 और 32 में से एक राइट आंसर होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, द राइट आंसर इज 44 लाख्स। ओके, द राइट आंसर इज 44 लाख्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रोज क्रिश्चियनी ओसुका राकोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ओके, काफी लंबा चौड़ा नाम है। ये वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है इनमें से कौन से देश की? इक्विटोरियल गुइनिया, बेनिन, गाबोन या मोजाम्बिक? इक्विटोरियल गुइनिया, बेनिन, गाबोन या मोजाम्बिक? तो चलिए दोस्तों, आपको हिंट से ही कैच करना पड़ेगा व्हाट शुड बी द राइट आंसर। चलिए, एनी गेसेस ऑन दिस ऑन द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही जवाब है गैबोन, द राइट आंसर इज गैबोन। ओके, यस, द राइट आंसर इज गैबोन, यस यू आर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एचसीएल टेक्नोलॉजीज? एचसीएल फुल फॉर्म में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, एचसीएल। उसके नए चेयरमैन चेयरपर्सन कौन बने हैं? सी विजय कुमार, रोशनी नादर मल्होत्रा, शोभना भारतीय या किरण नादर? ओके, एक्चुअली में शिव नादर साहब उसके चेयरमैन रह चुके हैं, ये आप सबको पता होगा। तो शिव नादर साहब को किसने रिप्लेस किया है? विजय कुमार, रोशनी नादर मल्होत्रा, शोभना भारतीय या किरण नादर? बोलिए, रोशनी नादर ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स चेक दैट, द राइट आंसर इज रोशनी नादर मल्होत्रा। ऑल राइट, दैट्स गुड, क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। अब बच गए हैं आखिरी के दो क्वेश्चन। Which country has topped the 2020 Global Manufacturing Risk Index MRI of Cushman and Wakefield? Okay, Cushman and Wakefield Global Manufacturing Risk Index में 2020 में टॉप किसने किया है? चाइना, यूएस, जर्मनी या फ्रांस? एनी गेसेस ऑन दिस? राहुल कह रहे हैं चाइना, राहुल कह रहे हैं चाइना। हिंट नहीं दे रहा मैं इस क्वेश्चन में, आप ही गेस करिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI ऑफ कुशमैन एंड वेकफील्ड, द टॉपर कंट्री इज चाइना। वेल डन राहुल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और अब आज का आखिरी सवाल, ये लिख लिया ना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ये प्लीज लिख के रखिए, सिर्फ आंसर मत लिखिए, ऑफ कुशमैन एंड वेकफील्ड, इतना पूरा नाम लिखिए और फिर लिखिए चाइना, तो काम आ जाएगा। 75th क्वेश्चन,
हु अमोंग दिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी फ्रॉम इंडिया। अरे यार ये तो वही है जो इलेक्शन कमिश्नर थे और उसके बाद वहां से हटके वो चले गए। ये व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर थे और उसके बाद वो वाले पद से रिजाइन करके ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंडिया की तरफ से। अशोक लवासा, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोरा या अचल कुमार ज्योति। एक बहुत बड़ा हिंट, सुनील अरोरा साहब तो नहीं हो सकते, वो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये कहां से जाएंगे वहां। तो अशोक लवासा, ओम प्रकाश रावत और अचल कुमार ज्योति में से आपको राइट आंसर देना पड़ेगा। रोहित कह रहे हैं सुनील अरोरा। अरे नहीं, मितेश सांगतो है, सुनील अरोरा नहीं होंगे, वो ऑलरेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद छोड़ के वो क्यों जाएंगे। बाकी के बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। आई शुड ऑल्सो गो विथ ऑप्शन नंबर ए, द राइट आंसर इज अशोक लवासा। घड़ी में बराबर 6:45 हो रहे हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जुलाई। सो आई होप टाइम पे सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं। यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड विद टुडेज सेशन एंड द टाइम व्हिच हैज बीन टेकन यस्टरडे। ऑलमोस्ट कल हमने सेशन खत्म करते करते आधा घंटा और लिया था, 7:15, और यहां से हम बराबर 6:45 के आसपास अपना सेशन कंप्लीट कर दिया करेंगे। ऑल राइट, तो आज के सेशन को लेकर जितनी अलग अलग चीजें, जितने अलग अलग पार्टिसिपेशन लेवल आपके रहे हैं, आप सबके लिए जोरदार तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड यू हैव मेड अ गुड पार्टिसिपेशन फॉर दिस ऑल क्वेश्चंस। ओके, अब जून और जुलाई तक तो बात अलग थी, लेकिन अब यहाँ से यानी सितंबर अक्टूबर ये रियल सिलेबस का एक पार्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नवंबर दिसंबर की एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर तो आना ही है एग्जाम में। इसीलिए कल से जो सेशन होंगे उसको लेकर आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ के आना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक्चुअली मैंने एक पीडीएफ बना के रखी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो पीडीएफ आपको कल सवेरे तक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पहले से दे दूं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त होगा तो वो पीडीएफ आप पढ़िए और उसके बाद सेशन में आइए, सो दैट बहुत ज्यादा अच्छे आंसर्स आने लगेंगे, कुछ और आंसर्स आप सॉल्व कर पाएंगे। आज जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वही वही स्टूडेंट्स के आंसर आते गए, बट फिर भी रफली अराउंड 10-12 स्टूडेंट्स हैव रियली डन वेल। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कल फिर मिलते हैं 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंटिल देन गुड बाय, टेक केयर। ओके, हाँ, सर्कल बेस ऑफिसर के जितने स्टूडेंट हैं, एसबीआई सर्कल बेस ऑफिसर भैया, उनको 8:15 आना है, तो अभी 1.5 घंटे बाद उनका एक अलग सेशन है 8:15 का। ऑल राइट, यस, आपके कुछ डाउट होंगे तो वो मैं देख लेता हूँ जरा 1 मिनट। सर एसबीआई क्लियर क्लर्क मीन्स रिजल्ट आज आ सकता है क्या, काफी वायरल है आज रिजल्ट आएगा। हाँ यार, बोल तो रहे हैं कि आज आ जाना चाहिए। ओके, मैंने भी ग्रुप में पढ़ा है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको फिर भी एक राय दूंगा कि एक बार आकाश सर से पूछ लो। आकाश सर थोड़ा प्योर गेस कर पाते हैं, तो ही कैन गिव अ गुड आइडिया अबाउट दिस। नीलेश कह रहे हैं बैंकिंग लॉस का भी लेक्चर लीजिए, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अच्छा, बैंकिंग लॉस के ऊपर फिर एक लेक्चर ठीक है, बनाना पड़ेगा, स्पेशली बैंकिंग लॉस के ऊपर लेना है तो बनाना पड़ेगा, अगर आप आरबीआई मेंस के हिसाब से पूछ रहे हैं। सो लेट मी सी, किसी दिन का फिर एक पार्ट थोड़ा जल्दी कवर करा के घंटे भर का एक अलग से लेक्चर बैंकिंग लॉस के ऊपर रहते हैं। नीलेश, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस बाय टुमारो, कल मैं इसका कंफर्मेशन आपको देता हूँ। हाँ, आकाश सर से कैसे कॉन्टेक्ट करें, कैसे कॉन्टेक्ट करें मतलब क्या है, फोन नंबर से कॉन्टेक्ट करें भैया, और क्या, मैं देता हूँ नंबर, रुको लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 सेकेंड, 8087872315, ये है आकाश सर का नंबर, आप इस पे फोन घुमाइए। हाँ, उसके बाद अगस्त सीए, प्रियंका पूछ रही है अगस्त सीए, तो प्रियंका अगस्त का सॉरी सॉरी मैंने स्किप ऑफ टंग में सितंबर बोल दिया, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए शायद। हाँ भैया, कल अगस्त है, कल अगस्त है, सीरीज में चल रहे हैं ना, तो जून जुलाई और अब अगस्त ऑब्वियसली। हाँ, टुमारो सितंबर नहीं, वो स्किप ऑफ टंग, अरे भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इत्मीनान रखिए, सुकून रखिए, अगस्त ही है कल। हाँ, एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछे थे सर बैंकिंग लॉस के क्वेश्चन, आई नो दैट, आई नो दैट। एसबीआई क्लर्क में जूनियर एसोसिएट्स के दोनों शिफ्ट के मैंने पेपर देखे हैं, जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू द पॉलिसीज एंड लॉस, यस, उसमें चलो मैं काम करता हूँ। सो आई विल डू वन थिंग नीलेश, रोज के सेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन बैंकिंग लॉस के ऊपर ऐड कर देते हैं, तो दैट विल बी ओके। हाँ, दैट विल बी ओके, चलेगा ना वैसा। सो आई होप दैट विल बी,
अल्पेश कह रहे हैं सर उद्या लेक्चर आएगा, हो ना मित्रा उद्या लेक्चर आहे ना, उद्या याच वेळेवर लेक्चर आहे, म्हणजे 5 वाजता, 5 ते 7:15 पर्यंत उद्या लेक्चर आहे. ऑल राईट, चालेल मग, इतना आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए देन, सी यू टुमॉरो. वन्स अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम. बाय बाय.